नमस्कार साथियों, देश में आई इस विकट परिस्थिति में संगठन के सिपाही अपनी क्षमता, अपनी परिस्थिति, अपने सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्य लगातार कर रहे हैं। हिंदुस्तान स्काउट गाइड संगठन न केवल राजस्थान प्रदेश में अपितु अन्य राज्यों में भी लगातार कार्य कर रहा है। बात यदि मैं राजस्थान की करूँ तो यहाँ पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के को सहयोग के अतिरिक्त संगठन के सदस्यों द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण कार्य, छोटे छोटे कार्य ऐसे जो कि कार्य छोटे हैं लेकिन महत्वपूर्ण है, कार्य किए जा रहे हैं। जैसे स्वयं मास्क निर्माण, काफ़ी सदस्य ऐसे हैं जो स्वयं मास्क निर्माण कर रहे हैं और उनका वितरण कर रहे हैं। सैनिटाइजर, किस प्रकार से लोगों को सैनिटाइजर का यूज़ किया जाए वो यूज़ बता रहे हैं, वह सैनिटाइजर का भी वितरण किया जा रहा है। ऐसे आयोजनों को भोजन सामग्री पहुँचाना एक बहुत ही करुणामय और बहुत ही ज़रूरत का कार्य है और इस विषय में संगठन ने बहुत ज़बरदस्त कार्य किया है। संगठन के सदस्यों ने अलग अलग जिलों में जहां कुछ असहाय जन जो रहते हैं उनको किस प्रकार से मदद की जाए, अन्य स्वयंसेवी संगठनों से भी उन्होंने संपर्क साधा है व उनको भोजन निर्माण व भोजन वितरण में बहुत ही बढ़िया भूमिका निभा रहे हैं। कुछ सदस्य ऐसे हैं जो पलायन करके आने वाले लोगों को भोजन सामग्री प्रदान कर रहे हैं। इस विषय में उदयपुर और गंगानगर जो एरिया है, जो बॉर्डर से टच में एरिया है, जहाँ पर काफ़ी लोग मजदूरी करने वाले लोग जो है वो पैदल ही पलायन कर रहे हैं, गुजरात बॉर्डर से आते हैं, इधर हरियाणा और पंजाब की तरफ जाते हैं, उन लोगों को संगठन के सदस्यों के द्वारा निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया गया है। यहाँ तक संगठन के काफ़ी सदस्य हैं जो अपने गाँव में, जो ग्रामीण अंचल है वो बहुत ही अछूता तो हम नहीं कह सकते इसको, लेकिन ग्रामीण अंचल आज भी ऐसा है जहाँ पर अवेयरनेस की, जागरूकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ग्रामीण अंचल में जो हमारे साथी है वो रात्रि गश्त करते हैं, दिन में भी लोगों को समझाते हैं और रात्रि भी गश्त करते हैं कि एक साथ पांच चार लोग एक साथ बैठे न मिले। गांव, ग्रामीण अंचल के लोगों को समझाना, ग्रामीण अंचल के लोगों को बताना और उनको इस मुहिम में धीरे 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 अपने साथ जोड़ पाने में संगठन आज काफ़ी हद तक सफल हुआ है। मेरा ये मानना है इस कोरोना महामारी जो है, ये जो विश्व का जो संकट आया है, इस संकट में हमारा भारत देश लड़ेगा और जीतेगा और इस विजय यूपी यज्ञ में हम सभी लोगों को आहुति देनी चाहिए। समस्त लोगों से मेरा बारंबार निवेदन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना भरसक प्रयास कर रही है। ऐसे प्रयास के समय में यदि हम अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलें या किसी प्रकार की कोताही बरतें तो ये न केवल हम अपने आप, हम सरकार को धोखा दे रहे हैं, आसपास के पड़ोसियों को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को और अपने परिवार को भी बहुत बड़ा धोखा देंगे। अतः आप सभी से गुजारिश है, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जैसे हैं अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, परिवार का ध्यान रखें। और संगठन के सदस्यों को मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका इस निर्णायक मोड़ पर निभाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।